नमस्ते सदावस्थले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने भारतीय वायुसेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट सॉफ्टवेयर विकसित किया और ये AI बेस्ड सैटेलाइट सॉफ्टवेयर भारतीय वायुसेना एक बड़ी टेक्निकल बढ़त देने वाला है। इस कंपनी का नाम है ओमनीप्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी, जिन्होंने एक खास सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मशीन लर्निंग है। और ये खास तरीके का आविष्कार सैटेलाइट इमेजरी से रियल टाइम को तुरंत अपडेट कर देता है, जिससे कि हमारी एयरफोर्स की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो बढ़ जाएगी और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मान लीजिए सीमावर्ती क्षेत्र पर सर्वेक्षण करने वाला सैटेलाइट लगातार AI में जानकारी फीड कर रहा है और ऐसे में इस कंपनी का सॉफ्टवेयर फिर से इमेजरी का विश्लेषण करता है और ये पता लगा सकता है कि नए बुनियादी ढांचे या फिर सैन्य उपकरणों की तैनाती कहां-कहां की जा रही है और ये महत्वपूर्ण जानकारी इंडियन एयरफोर्स को मिल पाएगी। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ओमनीप्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी आईडेक्स स्पेस चैलेंज की विजेता है और ये जो AI पावर्ड सॉफ्टवेयर है, इसकी क्षमताएं किसी सिंपल फोटो की पहचान से आगे तक फैली हुई है। मशीन लर्निंग का फायदा उठाकर सॉफ्टवेयर लगातार सीखता रहेगा और अपने विश्लेषण में सुधार करेगा, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स को और अधिक परिष्कृत जानकारी मिल पाएगी और रियल टाइम की खुफिया जानकारी जुटाना इंडियन एयरफोर्स को एक महत्वपूर्ण लाभ देगा और भारतीय वायुसेना की रणनीति को भी बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आप सबको मालूम है कि भारत ने अपने जोरावर लाइट टैंक का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। इसको लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं और कुछ ना कुछ इसके अपडेट के बारे में जानकारी मिल रही है। ऐसे में ये जो 25 टन वजनी जोरावर लाइट टैंक है, जिसे कि खास तौर पर चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों में नेविगेट करने के लिए तैयार किया गया है, ये जबरदस्त फायर पावर के साथ है। लेकिन अब जो इसमें सबसे खास विशेषता देखी जा रही है वो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इसके साथ इंटीग्रेट करना और ये ड्रोन इस जोरावर लाइट टैंक को रियल टाइम की हवाई निगरानी प्रदान करेगा, जिससे कि टैंक चालक दल को महत्वपूर्ण टेक्टिकल लाभ मिलेगा। वे दुश्मनों की स्थिति का पता लगा सकते हैं, खतरों की पहचान कर सकते हैं और अधिक सटीकता के साथ अपने मैन्यूवर की योजना बना सकते हैं। साथ ही ये जोखिम भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा इनके लग जाने से युद्ध के मैदान में जो इफेक्टिवनेस है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि दोस्तों, टैंक के क्रू के पास रियल टाइम का पूरा डेटा ये ड्रोन्स भेजते रहेंगे। यानी कि मारक क्षमता तो इस टैंक की जबरदस्त है, इसके अलावा इसकी जो मोबिलिटी है वो भी इसको एक बड़ा फायदा देगी। लेकिन जब आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी इस पर लग जाएगी तो ये एक शक्तिशाली संयोजन होगा जोरावर लाइट टैंक को पावर देने का, जो कि फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बिहार के हाजीपुर के जूते रशियन सैनिकों की पसंद बन गए हैं और आप सब जानते हैं कि यूक्रेन में जिस तरीके से जंग के हालात हैं, ऐसे में दोस्तों भारत के बिहार के हाजीपुर का नाम चर्चाओं में आ गया है। यहां पर एक जूता निर्माण की यूनिट है जो कि ऐसे जूते बना रही है जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं बल्कि कठोर परिस्थितियों का सामना करने वाले रूसी सैनिकों के भरोसेमंद साथी बन चुके हैं। स्थानीय रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से 2018 में स्थापित की गई कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड रशिया को सेफ्टी शूज का निर्यात करने वाला एक बड़ा निर्यातक बन गया। उनके जूते विशेष रूप से एक्सट्रीम मौसम का सामना करने के लिए डिजाइन किया गए हैं और इन्हें युद्ध के मैदान या फिर बर्फीले इलाकों के लिए आदर्श बनाते हैं। कंपनी के MD शिव कुमार राय ने बताया कि रूसी सेना को हल्के फिसलन रोधी जूतों की जरूरत है जो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान को झेल सके। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सेफ्टी शूज बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की अवैव्या एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अब जल्द ही भारतीय सेना के सामने अपना नेक्स्ट जनरेशन स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने वाली है। इस स्वार्म ड्रोन की खासियत ये होगी कि इसमें सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होंगे, साथ ही हाई एल्टीट्यूड और ऑल वेदर क्षमता इनमें होगी। और ये जो स्वार्म ड्रोन्स होंगे, इनका इस्तेमाल उन मिशनों के लिए किया जाएगा जो कि काफी क्रिटिकल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज यानी कि NRT ने सफलतापूर्वक अपने ऑटोनॉमस फर्स्ट रिस्पॉन्ड ड्रोन का परीक्षण किया है जो कि इंडोर एनवायरमेंट के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हैदराबाद स्थित कंपनी तनेजा एयरस्पेस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स के मॉडिफिकेशन के लिए, जिन्हें की 12 कम ऑफ 31 हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाएगा इंडियन नेवी के। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, साउथ कोरिया को भी F-404 इंजन की टेक्नोलॉजी दी गई है और साउथ कोरिया ने अपने देश के अंदर एक स्टेबल इंजन सप्लाई चेन बना रखी है जो कि उनके FA-50 के हाई प्रोडक्शन रेट को बरकरार रखती है। वहीं दोस्तों, भारत को 99 इंजन की जरूरत है 83 तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स को पावर देने के लिए।
इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट चाहती है, जिसमें की करीबन 120 अतिरिक्त इंजन भी चाहिए होंगे। और अगर फ्यूचर रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो करीबन 180 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के लिए 300 F-404 इंजनों की जरूरत होगी। हालांकि F-404 इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के लिए आने वाले समय में थोड़ी दिक्कतें भी पैदा कर सकती है, खासकर कि फ्यूचर सप्लाई चेन में इसमें दिक्कतें आ सकती है अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल स्थिति हमारी बिगड़ती है यूएस के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने अब एक नई अप्रोच पर काम करना शुरू किया है जो कि F-404 इंजन को मेंटेन करने को लेकर है, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A को पावर देने के लिए किया जाएगा। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स HAL को बाईपास करने वाली है, यानी कि अब सीधे, जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्टली, वो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बात करेगी। और इस तरीके की जो सीधी अप्रोच होगी भारतीय वायुसेना और GE के बीच, वो लगातार स्पेयर पार्ट और सप्लाई चेन जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू रखेगी और जो मिडल मैन है उनकी जरूरत को खत्म कर देगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जैसे कि आप सबको मालूम चल चुका है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आज एक जानलेवा हमला किया गया, ऐसे में उनकी जान जाते जाते बची। हालांकि जिसने ये हमला किया था उसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया गया है और इस व्यक्ति ने AR-15 राइफल का इस्तेमाल किया था। बताया जाता है कि अगर किसी को AR-15 राइफल से निकली गोली लग जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा इसीलिए कि AR-15 राइफल काफी घातक होती है। AR-15 राइफल इतनी तेजी से गोलियों को दागता है जिससे कि कुछ ही सेकंड में व्यक्ति खत्म हो जाता है। इसकी गोली रफ्तार के साथ गिरती है और खोपड़ी तक को भी साफ कर देती है, साथ ही शरीर के अंगों को ध्वस्त कर सकती है। AR-15 के अंदर .223 कैलिबर आकार के बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है जो इस हथियार को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। और ये गोली दोस्तों एक सेकंड में 6 फुटबॉल मैदानों को पार कर सकती है और अगर ये शरीर के किसी हिस्से पर लग जाए तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, बीच में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय सेना ने ऑल टेरेन व्हीकल शेर्प एन 1200 की 24 यूनिटों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी और इस शेर्प एन 1200 को एटोर एन 1200 के नाम से जाना जाता है। एटोर एन 1200 शेर्प एन 1200 का एक स्वदेशी संस्करण है जो कि अत्यधिक मोबाइल और MVPS वाहन है, जिसे कि मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम के कोपाटो लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया था और ये ऑल व्हील ड्राइव यानी कि ATV घने जंगल, बजरी वाली जमीन, दलदल वाली जमीन या फिर बर्फ, यहाँ तक कि डेंस फॉरेस्ट में भी आसानी से ऑपरेट हो सकता है। और एटोर के ऊपर मैंने एक वीडियो डेडिकेटली बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे साहब ने मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम शुरू किया है उसके अंतर्गत इस गाड़ी को हम मेक इन इंडिया के अंदर बना रहे हैं और इसमें मोर देन 60% इंडियनाइजेशन कर चुके हैं और धीरे धीरे हम उसको 80-90 तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ जाएंगे, जहां तक कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता दीजिए कि कैसे कितना इसका वो है डायमेंशन वगैरह जो भी है जिस तरीके से होता है। अच्छा, ये जो गाड़ी है ये 40 डिग्री ग्रेडियंट पर आराम से चढ़ जाती है, साइड स्लोप 30 डिग्री तक चला जाता है जो कोई भी गाड़ी नहीं कर पाती, और नदी अगर 9 knots तक का बहाव है नदी का तब भी उसको पार करके दूसरी तरफ जा सकती है। पहाड़ों में जब बर्फ पड़ा होता है और जो नदियां जम जाती हैं उनके ऊपर बड़े आराम से चल सकती है, अगर कहीं गड्ढा हो उसमें भी निकल जाएगी और उसके लिए कोई आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, बांध के अंदर आराम से किसी भी बांध पर चढ़ जाती है। ऑपरेशनल रेंज कितनी है? ऑपरेशनल रेंज इसकी करीब है 35 घंटे तक चल सकती है बिना रिफ्यूलिंग के। मतलब इसकी जो वो है क्या कहते हैं फ्यूल कैपेसिटी है वन टाइम के बाद ये मतलब कितना किलोमीटर चल सकता है? वही मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर एक मेन फ्यूल टैंक है, उसके अलावा हर एक टायर के अंदर फ्यूल टैंक्स हैं तो हर एक टायर में 50-50 लीटर आ जाता है। और एक बढ़िया बात है इसके अंदर कि इसके अंदर कोई मोटर नहीं लगी हवा भरने के लिए, जो एग्जॉस्ट होता है एग्जॉस्ट से ही इन टायरों में हवा भर जाती है। यानी कि कोई पंचर का इशू नहीं? पंचर का इशू नहीं है, इसका PSI 0 to 3 PSI तक है, नॉर्मल टायर का PSI होता है 32, यानी कि अगर आप अपना जूता अपना पैर भी रख दोगे तो आपके पैर जख्मी नहीं होगा, आराम से टायर निकल जाएगा ऊपर से। तो जान सकते हैं दोस्तों कितनी घातक है ये राइफल। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट, वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।